दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल मारजुम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई करते हुए डीआरजी के जवानों ने 5 लाख का इनामी नक्सली मुइया मरकाम को ढेर कर दिया। दरअसल सुकमा दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर एसटीएफ डीआरजी सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहां नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग में खूंखार नक्सली मुइया को ढेर कर दिया गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। चिकपाल आरपीसी अध्यक्ष मुइया जो कि 5 लाख का इनामी है, 2 दर्जन से अधिक नक्सल अपराधों में उसकी भूमिका रही है और एसीएम सदस्य था। इनकी पार्टी के द्वारा पुलिस पार्टी जो एरिया में गश्त पे निकली थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भारी फायर की गई। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाब दिया गया, जिसमें सर्च करने पर उक्त कार्डर की कशव मिला है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में छत्तीसगढ़ से सहयोगी अमर सरदाना इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ के। अमर, देखिए, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है और काउंटर जो मुठभेड़ है उसमें एक नक्सली को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके साथियों को और साथ ही एक को ढेर भी कर दिया गया है। फिलहाल क्या ये पूरी कार्रवाई रही और किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण बस्तर जो दंतेवाड़ा जिला में जो चलाया जा रहा है उन्मूलन अभियान के तहत जो ये बड़ी सफलता मिली है और कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चीकापाल मारजुम के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के जो बीच मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ में एक 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया गया है, जिसका नाम एसी मेंबर युमा मरकाम बताया जा रहा है। डीआरजी के जवानों द्वारा जो है ये संयुक्त कार्रवाई हुई है, जो एसटीएफ डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त ऑपरेशन के साथ जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने भी बताया है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त डीआरजी सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान पहुंचे और एक जवान को एक नक्सली को ढेर किया गया, जो 5 लाख का इनामी नक्सली था। जी जी, चलिए अमर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।